पटना में अफसर जुटे। नीली फाइल वाला फोल्डर निकला, कैमरे पर दिखाया और इसी के साथ देश की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया। बिहार में किस जाति के कितने लोग, पूरा ब्यौरा दे दिया, मगर रिपोर्ट जारी करने की टाइमिंग बहुत अहम है। सवाल है, क्या ये रिपोर्ट 2024 के चुनाव के मद्देनजर जारी की गई? जातिगत जनगणना से सियासी दलों की नीति पर क्या असर होगा? क्या कास्ट सेंसर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक है? बिहार में जितना पढ़ना होगा और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम, सब के हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। क्या काम किए शेड्यूल का, क्या काम किए शेड्यूल ट्राइब का, अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं। बात बिहार से निकली है लेकिन देश के दूसरे राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। पहले बिहार का गणित समझिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के चुनाव नतीजों की बात करें तो इसमें से नीतीश की जेडीयू के पास 16 सीट, जबकि बीजेपी के 17 सांसद बने। लोक जनशक्ति के पास भी 6 सांसद और एक सीट अन्य के पास गई। बिहार का पैटर्न बताता है कि चुनावी पार्टी उस इलाके के जातीय समीकरण, विरोधियों के कैंडिडेट को ध्यान में रखकर टिकट बांटती है। मगर क्या इस पर ये सिस्टम बदलेगा? क्या अब जातिगत जनगणना के आधार पर पार्टी कैंडिडेट को टिकट देगी? आरजेडी और जेडीयू को इसका क्या फायदा होगा? होगा भी या नहीं? 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग है उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलके राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया। बिहार से निकलकर यूपी का रुख करते हैं। बीजेपी की सत्ता से पहले क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व रहा, कभी बीएसपी तो कभी समाजवादी पार्टी के सांसद यूपी की सियासत में अहम भूमिका अदा करते रहे। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी और सहयोगियों के 64 सांसद बने, बहुजन समाज पार्टी को 10 जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीट पर जीत हासिल हुई थी, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। अब अगर बिहार वाली टेम्पलेट यूपी में फॉलो होती है तो क्या क्षेत्रीय दल बीजेपी के खिलाफ ओबीसी और अनुसूचित जातियों वाले फैक्टर को आधार बनाकर लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरेंगे? ऐसा इसलिए भी क्योंकि यूपी में ओबीसी 43% है, जिसमें से यादवों की संख्या 10% है। अनुसूचित जाति का 21% बेस है, जबकि स्वर्णों की संख्या करीब 18% है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में गिनती के ही दिन बचे हैं। यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी फाइट है। सवाल ये भी है कि बिहार में जातिगत जनगणना को आधार बनाकर क्या कांग्रेस अब ओबीसी वाला दांव इन विधानसभा चुनाव में भी अजमाएगी? राहुल की बातों से तो यही इशारा मिलता है। 90 सेक्रेटरीज हैं हिंदुस्तान की सरकार के हर मिनिस्ट्री में, 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में जाता है, सबसे पहले एक्सरे होता है। भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। अगर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 राज्यों में 185 सीटें हैं। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां शानदार परफॉर्मेंस दी थी, 185 में से 165 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन तब से सियासत में काफी पानी बह गया, नए समीकरण और गठबंधन बन गए। इसलिए सवाल है, अब बीजेपी क्या करेगी? क्या 80-20 वाला फार्मूला चलेगी? विकास और मंदिर के नाम पर वोट मांगे जाएंगे या फिर बिहार की ही तरह 85-15 वाले समीकरण को साधने की कोशिश होगी?